मम्मी की केयर करना ज़्यादा ज़रूरी है ना, अपने से ज़्यादा केयर। ऑल राइट, सो हे गाइज, वो इज अब एवरीबॉडी, इट्स योर बॉय शिमिशा, वेलकम बैक एंड बिगिन विद न्यू वीडियो। सो गाइज, वेलकम टू माई न्यू वीडियो। सो गाइज, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो आप लोग अच्छी लगी कि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक करना, कॉमेंट करना, वीडियो को शेयर करना, एंड आई प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। जिन्होंने भी अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पर लाइक करो या कॉमेंट करो, प्लीज़ यार, कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग। सो गाइज, मैं आपको आज का सीन बता देता हूँ। आज है मंडे एंड अपना कंटिन्यू 2 दिन से छुट्टी था कॉलेज का, एंड आज भी छुट्टी है। मुझे पता नहीं कि छुट्टी क्यों है, बिकॉज कोई भी रीज़न नहीं दिया हुआ कि हॉलीडे क्यों है आज, बट इतना पता है कि मतलब आज नॉन इंस्ट्रक्शनल डे है, मतलब छुट्टी है आज। सो अपने को ना छुट्टी से मतलब है, क्यों छुट्टी है वो सब जानने कोई फ़ायदा नहीं है, अपने को ना छुट्टी चाहिए रहती है, एंड वो आज है गाइस। एंड लास्ट के जो 2 वीक थे ना गाइस, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल थे, आप लोगों को पता ही है, बिकॉज बहुत ही टफ एग्जाम्स चल रहे थे। एंड पता नहीं भाई, इतना स्ट्रेस मुझे कभी भी नहीं हुआ था, बट ये वाला जो एग्ज़ाम था ना, इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेके मैंने पढ़ाई किया, बिकॉज बहुत ज़्यादा पोर्शन था एंड अपने पास टाइम ना बहुत ही, इतना सा टाइम और इतना सा पोर्शन था, सो स्ट्रेस बहुत ही ज़्यादा था। बट फाइनली एग्ज़ाम हो गए ख़त्म, एंड मैं वापस से कंटिन्यू वीडियोज़ कर रहा हूँ गाइज, बस आप लोग प्यार सपोर्ट करते रहना ऐसे ही। तो गाइज़, आज है मंडे, सब लोग अपने अपने काम पे गए हैं। मेरे भाई के कॉलेज की छुट्टी नहीं थी, वो अपने कॉलेज गया हुआ है, एंड अन्नो गए हैं स्कूल, सब लोग गए हैं ऑफिस, एंड फिलहाल घर पे मैं तो अकेला हूँ। सब लोग ऑफिस गए हैं, भाई गया कॉलेज अपने और ना गया स्कूल, एंड मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं है 2 दिन से, उनको बहुत ही ज़्यादा कफ एंड कोल्ड हो गया, उन्होंने मेडिसिन ली बट उससे भी आराम नहीं हो रहा है। सो 2-3 दिन हो गए आज, सो मम्मी भी रेस्ट कर रही है, एंड टाइम देखो कितना हो रहा है, एग्जैक्ट 12 बज रहा है, एंड मैं कब का उठाऊंगा यार, अर्ली मॉर्निंग में करीब 9:30 बजे उठ गया था, बट मैं वीडियो लेट स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं उठ बहुत पहले गया था, एंड अभी फिलहाल मुझे कुछ काम मिले हैं, सो मैं आपको दिखाता हूँ काम क्या है गाइस। जिस दिन छुट्टी रहती है उस दिन बहुत सारा काम था, उस दिन मुझे पता चलता कि रियली मम्मी लोग कितना सारा काम करते हैं भाई। एक दिन मेरी ये हालत होती है, मम्मी लोग को रोज़ इतना सारा काम करने का रहता है। सो गाइस देखो, अभी हमने वॉशिंग मशीन कपड़ा लगाया था, मैंने लगाया था, एंड एक दिन देखो कितना सारा कपड़ा निकलता है भाई, इतने सारे टी शर्ट, इतने सारे, फिर ये, एंड इतने सारे शर्ट, देख रहे हो, सिर्फ एक दिन कपड़ा, इतने सारे कपड़े एक दिन में निकलते हैं हमारे घर पर, एंड इतना हो गया। उसके बावजूद भी देखो इधर पैंट्स रखे हुए हैं डालने के लिए, सो पैंट्स हम डाल देते हैं खुद ही अपने हाथ से, वैसे डालना मुझे ये सोचा है, अभी डालूँ चाहे बाद में डालूँ, सो इसमें कोई कपड़ा नहीं है, सो जाओ, ए जाओ रे बाबा, तुम भी जाओ रे बाबा, तुम भी जाओ रे बाबा, सब जाओ सब जाओ सब जाओ। एक पैंट और है, एक पैंट और है, ये वाला, इसको मैंने कल पहना था, तो तुम भी जाओ, तुम भी जाओ, इतने सारे पैंट है, देख लो 10 पैंट है पूरे ये। इसको भी गाइस इसमें डालते हैं, क्योंकि देखो इसमें ना हल्दी लग गई है इधर, एंड दूसरे कपड़े में डालते हैं ना, वाइट वाले में तो कलर छोड़ता तो लग जाता है ना, पैंट में डालते हैं, पैंट का कलर छोड़ेगा तो इसमें लग जाएगा, चलेगा वो। अब इसमें डालते हैं हम लोग सोडा, अभी इसको चलाते गाइस, बटन ऑलरेडी चालू है बिकॉज और भी कपड़े लगे थे ना, सो 15 मिनट्स का ही लगाएंगे, क्योंकि 15 मिनट में तो हो जाएगा। देखो गाइस पानी आ रहा है, आवाज़ सुन रहे हो आप, अभी ये 15 मिनट्स में हो जाएगा। देखो गाइस एक दिन में कितना सारा कपड़ा निकलता है हमारे घर पे, एंड भाई कपड़ा ना सबसे हार्ड होता है डालना, सोचो जब वॉशिंग मशीन नहीं होती थी तो हाथ से इतना सारा कपड़ा मम्मी लोग धुलते थे, कितना सारा मेहनत करते हैं, एंड अभी का टाइम है ना, मुझे केवल इसमें डाल के निकालना रहता है, अभी हफ्ते में एक दिन जिस दिन छुट्टी रहती है, सो ऑब्वियसली मेरी छुट्टी ज़्यादा करके संडे को ही रहती है, एंड बाकी डेज तो मम्मी लोग ही करते, उस दिन में इतना सारा कंटाला था भाई, इतना सारा कपड़ा देखो पीछे इतना सारा है, देन मम्मी की एंड भाभी की साड़ियाँ भी हैं, एंड ये 10-11 पैंट है, सोचो एक दिन में इतना सारा कपड़ा निकलता है, अगर जो हाथ से धुलना रहता तो क्या होता। हमने ये सब कपड़े डाल दिए, ये सब कपड़े चल के दूसरे बालकनी में डाल देते हैं, एंड उसमें मम्मी की साड़ी है इसको भी डाल देते हैं, एंड तब तक हमारा पैंट हो जाएगा। मैंने सिर्फ देखो 15 मिनट का लगाया है, क्विक लगाया है, क्योंकि कपड़ा डेली धुलते हैं तो गंदा नहीं होता है कपड़ा, मतलब 3-4 दिन पहन के एक बार धुलो तो ज़्यादा गंदा होता है, बट हमारे इधर ना कोई भी कपड़ा एक दिन से ज़्यादा पहनता नहीं है, मतलब एक बार पहने ना, अगर 1 घंटे के लिए भी पहने ना, सो उसको धुल के ही दोबारा पहनना है, सबका यही रूल है, सो इसके लिए ना कपड़े ज़्यादा गंदे होते हैं नहीं और फटाफट साफ़ हो जाते हैं। 15 मिनट क्विक डाल देते हैं, बस चद्दर वगैरह जिस दिन रहता है ना उस दिन 45 मिनट्स लगाते हैं,
अदरवाइज 15 मिनट का ही लगाते हैं बिकॉज कपड़े गंदे होते ही नहीं है ना ज़्यादा। सो गाइस चलते हैं, मम्मी के साड़ी भी डालते हैं बिकॉज बोला मैंने आपको ना कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। सो मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है तो मम्मी का भी काम मुझे करना पड़ेगा ना, क्योंकि भाई हमारी तबीयत ख़राब रहती है तो मम्मी इतना सब कुछ करती है, एंड मम्मी की तबीयत ख़राब है तो हम लोग तो एक दो दिन कर ही सकते हैं। सो आज मैं घर पे हूँ तो चल के मैं मम्मी का साड़ी भी डाल देता हूँ उनके रूम के बालकनी में। चल चल वे तू बंदे उस सो गाइस अभी हम आ चुके हैं अपने किचन में खाने के लिए खाना, एंड आज मुझे खाना खुद से लेना पड़ेगा बिकॉज मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है ना। सो हम खाना खुद से ही ले लेंगे, एंड मुझे आज ना बहुत सारा काम है, काम करने में बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, मतलब कपड़े वगैरह डालने में ना अभी कितना 2:16 हो रहा है, एंड अभी मैं फिलहाल खाना खाने जा रहा हूँ बिकॉज खाना खा के फ्री हो जाता हूँ, एंड मुझे 3 बजे अर्नो को लेने भी जाना पड़ेगा ना, एंड मुझे बहुत सारा काम है बिकॉज मुझे मेरा असाइनमेंट कंप्लीट करना है, EVS बुक कंप्लीट करना है जो मेरा थोड़ा भी मतलब कंप्लीट है, थोड़ा सा है बट बहुत सारा बाकी है अभी। सो आज का डे वेस्ट नहीं करेंगे, संडे मैंने पूरा वेस्ट किया अपना, बट मंडे वेस्ट नहीं करेंगे, आज अभी हम लोग खाना खाते हैं उसके बाद चलेंगे पढ़ने बैठेंगे, पढ़ने नहीं बैठेंगे गाइज, असाइनमेंट लिखने बैठेंगे, असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे, देन टाइम होने पे अर्नो को लेके आएंगे, उसके बाद फिर से कंटिन्यू असाइनमेंट लिखने बैठेंगे, एंड हम लोग उठेंगे सीधा जब मेरे को क्लासेस जाना रहेगा तभी उठेंगे, अराउंड 3 घंटे लिखूंगा थोड़ा बहुत और कंप्लीट हो जाएगा। एंड अभी क्या है, 2 दिन ही बचा है हमारे पास, 1 तारीख को सबमिट करना है एंड आज है 30, आज का दिन और कल का दिन, 2 ही दिन बचा है, एंड कल तो कॉलेज रहेगा, कॉलेज का अलग से कुछ वर्क मिल जाएगा तो और टाइम जाएगा मेरा। सो आज का कंप्लीट करेंगे, मैंने अपना संडे वेस्ट कर दिया पूरा, मालूम है कुछ भी नहीं पढ़ा था, बट आज का डे वेस्ट नहीं करेंगे। सो अभी फटाफट खाना खाते हैं, निकालते खाते हैं, देन चलते अपना असाइनमेंट कंप्लीट करने बैठते हैं। सो गाइस अभी चलते अर्नो को लेके आ जाते हैं फटाफट, 5 ही मिनट रह गया 3 बजने में, सो चलते फटाफट उसको लेकर के आते हैं। चलो जो सज धज के गए थे आज, आपने गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट किया कि नहीं, क्या बोले सबको कि नकली बर्थडे है आज, थोड़ा मेरा भी है, थोड़ा आपका भी है, मतलब मेरा मतलब उसमें एक मेरा भी है। ओहो एक आपका भी है, चलो चलो ऊपर चलो कपड़ा चेंज कर, मुझे क्लास के बच्चों को बताओ, और क्लास के बच्चों में मैं भी हूँ ना। ओहो एक आपका भी है भाई, चलो कचरा क्यों साफ कर रहे हो, गाड़ी कल धुली जाएगी ना, कल अपन धोने का डे है ना, सबको बोले कि आज आपका नकली बर्थडे है, क्योंकि बर्थडे आपको 27 का था ना, आज तो 30 है। हाँ चलो कोई नहीं, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना गिफ्ट, वेरी गुड, थैली, चलो कोई नहीं थैली नहीं आया, चलो कोई नहीं कोई नहीं, थैली क्या करते, थैली क्या करोगे आप, काम आ रहा है तो, बहुत काम आ रहा है थैली का, चलो अभी तकलीफ बहुत मारूंगा, चलो 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 जल्दी चलो, बेल बजाओ गर्मी लग रही है बहुत तेज, बॉम्बिटा पी के बड़े हो जाओ इसलिए बोल रहा हूँ, बेल पहुँचता नहीं आपका हाथ, मत बजाना मत, लेकिन हाँ हाँ पता है, बस मत बजाओ, क्या मिला बुक क्यों निकाल दिया, आपको ये वाला मिला लड़की हो, पिंक कलर की लड़की हो आप, अच्छा अभी बताओ लड़कियों को कौन सा कलर पसंद होता है, पिंक ना, और आपको भी पिंक मिला, लेकिन अय्या पेन भी पिंक कलर का है, टकली सब पिंक पिंक है, आप लड़की हो सच्ची में, मजाक हो गया, अभी देख लो अब मान गए कि नहीं, कलर भी पिंक कलर के हैं, पहला कलर भी पिंक है कलर का, ये भी पिंक ये भी पिंक ये भी पिंक, एकदम पक्की लड़की हो आप, पक्की वाली एकदम, अब तो प्रूव हो गया ना, हेंस प्रूव्ड यू आर अ गर्ल,
वो गया, पहले क्या था, पहला पिंक था कि नहीं, बात खत्म। ठीक, लड़कियों के लड़के कपड़े पहनते हो आप है? लड़की होकर लड़कों वाले कपड़े पहनते हो। किसी ना गलती से मिला ना सबको सबको, तो आपको नहीं लेना था ना। आपकी बोलती मैं वह है ना, वो तो आपने आपके लिए लाया था, आपने मुझे गिफ्ट कर दिया था ना। अच्छा आपके पास है, चलो बस करो, जाओ जाओ कपड़ा चेंज करो। हाँ, मुझे कितना हैवी कपड़ा, और भी है क्या कुछ? ओहो, मेरे लिए किच्ची किच्ची दो, मुझे चुपचाप एक दे दो, थैंक यू। जाओ कपड़ा चेंज कर लो फटाफट। सो गाइस, अभी मैं अर्णव को लेकर के आ गया एंड अभी मैं जा रहा हूँ पढ़ने। मेरे को पढ़ने का टाइम नहीं मिला जब तक मैंने खाना खाया, मैं फ़ोन देखते देखते खाना खाया था आराम आराम, एंड जैसे खाना खा के उठा 3 बजने वाला था, सो मैं अर्णव को लेने चला गया एंड अभी जस्ट मैं उसको लेकर के आ रहा हूँ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ मेरा कितना असाइनमेंट बाकी है एंड अभी कितना सारा लिखना बाकी है। 50% डेटा यूज़, वाईफाई रहते हुए भी डेटा यूज़ हो रहा है, सोचो। कहने को जश्न बहारा है, इश्क ये देख के हैरा है फूल। ऐसा शूज़ निकाल दिया, मैं गिर गया बचने से, मतलब बचने गिरने से बच गया। अरे क्या बोल रहा हूँ मैं, गिरने से बच गया, इस पे सब पैर पड़ गया था मेरा। सो गाइस, अभी फ़िलहाल मैं बैठा हूँ पढ़ाई करने एंड अभी मैं आपको अपनी EVS बुक दिखाता हूँ जो होने वाली है कल नहीं परसों चेक। अपने पास एक दिन है एंड अपने पास लिखने के लिए भी बहुत, मतलब ज़्यादा नहीं बाकी, 50 to 60% कंप्लीट है, थोड़ा सा ही बाकी है, आपको दिखाता हूँ कि कितना बाकी है भाई। सो गाइस देखो, ये रही हमारी बुक एंड माय टॉपिक इज ह्यूमन हेल्थ रिलेटेड टू अस्थमा। मालूम है सबको डिफरेंट टॉपिक्स मिले हैं। सो देखो, मैंने इसका इंट्रोडक्शन लिख दिया है, इम्पोर्टेंस लिख दिया है, उसके बाद प्रोजेक्ट व एम ऑब्जेक्टिव लिख दिया है, मैथडोलॉजी लिख दिया है, देन ऑब्जर्वेशन लिख दिया है, और उसके बाद क्या है, एनालिसिस ऑफ डेटा भी लिख दिया है, एंड लास्ट वन द रिजल्ट एंड कंक्लूजन भी लिख दिया है। हाँ, अपने को 5 क्वेश्चन है कंप्लीट करने, कितने देखो 33 एंड लास्ट में 44, 11 पेजेस और लिखने पूरे। सो गाइस, मैंने ना अपना टॉपिक पूरा लिख दिया है, हमको ना एक्स्ट्रा 10 क्वेश्चंस मिले हैं जिसमें से कोई 5 लिखना है, दो दो पेज का, एंड जो लास्ट वन है ना 5th वाला, उसको 3 पेज में लिखना है। सो वही मेरा लिखना बाकी है, बाकी मेरा टॉपिक ऑलरेडी हो चुका है डन। सो आज का और कल का पूरा दिन है तो आराम से कंप्लीट हो जाएगा। अभी कितना बज रहा है, अभी 4:30 बज जाएगा गाइस, बिकॉज मैं अर्णव को लाने के बाद थोड़ा सा रील देखने लगा था एंड देन थोड़ा सा एडिटिंग करने लगा था। सो अभी मैं करने बैठा हूँ, सो अभी 4:30 बज रहा है, मुझे क्लासेस 6:30 जाना है। सो मतलब 6 बजे मैं उठूंगा, 1.5 घंटा है मेरे पास, सो मैं फटाफट करूंगा तो आराम से हो जाएगा। सो 1.5 घंटे लिखते हैं गाइस, उसके बाद आप लोग से मिलते हैं। सो गाइस, बज चुका है 5 एंड मैं बीच में से उठ गया, मैंने सिर्फ एक पेज लिखा, मतलब एक आंसर का एक पेज, मतलब एक आंसर आधा लिखा सिर्फ, एंड बीच में से उठ गया बिकॉज अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ मम्मी के पास, उनको थोड़ा सा फीवर हो रहा है एंड उनकी तबीयत मैंने आपको बोला था पहले से ही, मतलब कोई ठीक नहीं है। आज 2 दिन से मम्मी को बहुत ज़्यादा कोल्ड एंड कफ है, सो चलते थोड़ा टाइम मम्मी के पास बैठते हैं, लिख तो बाद में लेंगे भी ना यार, थोड़ी मम्मी के पास चलते बैठते हैं। मम्मी की केयर करना ज़्यादा ज़रूरी है ना, अपने से ज़्यादा केयर। सो गाइस, अभी मैं मम्मी के लिए काढ़ा बना रहा हूँ, मैंने आपको बताया था कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, सो अभी फ़िलहाल मैं उनके लिए बना रहा हूँ काढ़ा, सिर्फ उनके लिए। सो गाइस, हमारा काढ़ा बन चुका है एंड मैं एकदम थोड़ा सा लिया क्योंकि बहुत कड़वा होता है ना, नहीं कड़वा नहीं, तीखा होता है, तीखा, सो थोड़ा सा एकदम। पता नहीं गाइस ऐसा कैसा कोल्ड हो गया है, बहुत ज़्यादा ही हो गया है, लगता है कोई अच्छे दूसरे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। सो अभी मैंने वो काढ़ा लिया, सो अभी थोड़ा ठीक है एंड देखो अर्णव क्या कर रहा है, अर्णव प्लांट्स को बिना बोले पानी दे रहा है, एक अच्छा काम कर रहा है वो। बस करो, कितना पानी दोगे, सूख जाएगा वो वाला। हाँ, सब सूख, जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े लीफ। रुको देता हूँ, थोड़ा सा ही पानी डालने का बाबू, वरना सूख जाएगा। ओके, तो द एंड हो रखो, दे दो इसको भी। हाँ?
इसको भी दे दो, उधर पानी नहीं देने का, इसके ऊपर देने का स्प्रे थोड़ा ढीला करो, इधर को दिखाता हूँ, इसको थोड़ा ढीला करो, अभी प्रेशर भी नहीं आएगा, पानी दो पत्ते पे, अभी भी आ रहा है, रुको रुको और ढीला करो, अब दो, हाँ पत्ते पे दो, जमीन पे तो उसके रूट पे में जाएगा ना, रूट पे भी देने का पत्ते पे भी देने का, ओके और थोड़ा सा ही देने का, नहीं नहीं टच नहीं करने का, खराब हो जाएगा तारे बाबू, टच नहीं करने का, धूप की जरूरत है, नहीं इसको धूप की जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ पानी चाहिए रहता है, अभी बस करो, अभी दूसरा प्लांट देता हूँ, रुको, अरे आप जानते हो इसके अंदर पहले से ही पानी है, अरे इसके अंदर पहले से पानी है, आप एक तो अच्छा काम करते हो और ना प्लांट्स को पानी देने वाला, वेरी गुड, एक प्लांट उधर बचा, वेरी गुड। सो गाइस अभी सब काम भी हो गया एंड अर्नो गया अपनी मम्मी के साथ नीचे एंड मैं कर रहा हूँ नाश्ता, एंड देखो नाश्ते में क्या बनाया, ढोसा, भाई ने बनाया ढोसा ये, एंड आज मैं ना क्लासेस भी नहीं जाने वाला, मैंने क्लासेस की छुट्टी कर ली है बिकॉज मुझे EVS की बुक कंप्लीट करनी है गाइस। सो अभी मैं फटाफट ये प्यारा सा नाश्ता करूँगा एंड उसके बाद मैं सीधा EVS कंप्लीट करने बैठूँगा एंड EVS कंप्लीट करके ही आज उठूंगा गाइज। एंड अभी वीडियो पे एंड करता हूँ, आई होप वीडियो आप लोग अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो पे लाइक करना, कमेंट करना, वीडियो को शेयर करना एंड प्लीज़ गाइज मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल, कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग गाइज़।